हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी, उसके लास्ट टू क्वेश्चन बचे हुए थे, सेकंड का फोर्थ पार्ट और सेकंड का फिफ्थ पार्ट। बाकी पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से लिंक आपको अवेलेबल है, आप वहां से उन क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट को। तो देखो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, उसका एकदम शॉर्ट लैंग्वेज मैंने यहाँ लिखा हुआ है, समझते हैं। सबसे पहले मीना क्या करती है, बैंक जाती है और कैशियर से क्या करती है, रुपीज विदड्रॉ करने के लिए बोलती है, पैसे निकालने के लिए बोलती है। और कितने रुपए निकलाती है वो, 2000 रुपीज निकालती है। अब 2000 रुपीज वो निकला तो रही है, लेकिन वो एक कंडीशन रखती है, कौन, मीना कंडीशन रखती है कि उसे जो 2000 रुपीज मिल रहे हैं ना, वो एक तो 50 रुपीज की शक्ल में आना चाहिए और 100 रुपीज की शक्ल में आना चाहिए। इसका मतलब 50 और 100 रुपीज के नोट ही मिले उसे। तो उसने कहा कि 2000 रुपीज तो दो मुझे, लेकिन ओनली 50 रुपीज और 100 रुपीज वाले नोट देना, 10 रुपीज वाले 20 रुपीज वाले नोट मुझे नहीं चाहिए। फिर आगे उसने कहा कि जब वो उससे बात कर लेती है तो वो नोट देती है उसको, 50 रुपीज वाले भी और 100 रुपीज वाले नोट भी देती है, कौन, कैशियर, किसको, मीना को। तो जब उसके पास नोट जाते हैं मीना के पास, तो टोटल नोट उसके पास कितने होते हैं, 25 नोट इसके पास होते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि बताइए कि उसको 50 रुपए वाले कितने नोट मिले हैं और 100 रुपीज वाले उसको कितने नोट मिले हैं, किसको, मीना को, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखो मीना के पास दो तरह के नोट आए, एक तो 100 रुपीज वाले, एक 50 रुपीज वाले। तो मान लेंगे यहाँ पर 50 रुपीज वाले नोट कितने हैं, एक्स है, और 100 रुपीज वाले नोट क्या है, वाई है। तो सबसे पहले ये मानते हैं, मान लिया कि 50 रुपीज के जो नोट्स थे वो कितने हैं भाई, वो है एक्स, और इसके बाद यहाँ पर 100 रुपीज वाले जो नोट हैं वो कितने हैं, y है, ठीक है। ये एक क्वांटिटी है तो इसके पीछे एक यूनिट भी नहीं लगेगा, आप यहाँ यूनिट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्वांटिटी नहीं है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर दो कंडीशन की, दो कंडीशन में पहली कंडीशन तो ये रही क्या है कि जो टोटल नोट है वो कितने हैं भाई आपके पास, वो है आपके पास 25। अब देखो नोट, टोटल नोट, जैसे कि सीधी सी बात है, आप मेरे पास आए बैंक में, मेरे पास एक बैंक है और मैं आपको 50 रुपए वाले 4 नोट देता हूँ और 100 रुपए वाले 6 नोट देता हूँ, तो आप बता सकते हैं टोटल नोट कितना है। आप कहेंगे सर 10 नोट है, कैसे निकाला, जो 50 रुपए वाले नोट थे और जो 100 रुपए वाले नोट थे उन्हें प्लस कर दिया। तो एक बात बताओ, अपने पास 50 रुपए वाले नोट कितने हैं, एक्स, और 100 रुपए वाले नोट कितने हैं, वाई, इनको जब प्लस करूंगा तो टोटल नोट के बराबर आएगा और टोटल नोट आपके पास कितने, 25। ये आपके पास क्या आ चुकी है, पहली इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की, किसकी बात करते हैं, सेकेंड इक्वेशन की। तो यहाँ पर तो लिख देना आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए लिखेंगे अपन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो अपन को यहाँ दे रखा है टोटल अमाउंट दे रखा है या टोटल रुपीज दे रखा है जो उसे यहाँ से मिले थे, तो अपन बात करते हैं क्या टोटल अमाउंट कितना है। तो टोटल अमाउंट आपके पास कितना है भाई, 2000 रुपीज उसका टोटल अमाउंट है, ठीक है भाई। अब 2000 रुपीज यहाँ पर टोटल अमाउंट है, तो आपके पास एक बताओ, एक बात बताओ, आपको नोट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, नोट दे रखे हैं, उनको रुपीज में आप बदलना जानते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास 100 रुपीज के 5 नोट है, तो उसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो कितने आएंगे, 500 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कि जो 100 रुपीज के जितने भी नोट थे उसको उतनी ही क्वांटिटी से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका पता चल जाएगा। तो यहां पर एक बात बताओ, मैं यहां पर 50 रुपीज के जो उसको नोट मिले उसको रुपीज में अगर कन्वर्ट करूं, तो उसके लिए सीधा सा है कि मेरे पास, अब 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यार 50 रुपीज वाले नोट मेरे पास 4 है और एक नोट की कीमत कितनी है, 50 है, तो टोटल अमाउंट कितना आएगा, 200। तो यहाँ पर अब देखो सीधी सी बात है कि यार 50 रुपीज वाले नोट की कीमत अपन को पता है कितनी है, 50 रहेगी, लेकिन नोट कितने हैं अपन को एग्जैक्ट क्वांटिटी पता नहीं है, तो अपन ने क्या मान रखा है, x। तो यहाँ पर क्या जाएगा, x, तो 50 रुपीज वाले जो नोट आएंगे वो कितने आएंगे, 50x, मतलब जो उसकी अमाउंट आएगी। तो यहाँ पर भी देखो 50 वाले की जो अमाउंट बनी वो क्या मिली, 50x। बात करते हैं 100 रुपीज वाले की जो अमाउंट बनेगी, तो देखो नोट कितने उसके पास, y है, और 100 रुपीज के लिए है तो 100 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, जिससे क्या बन जाएगा अमाउंट, और इनको प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा, और टोटल अमाउंट आपको कितना दे रखा है, 2000 रुपीज। तो देखो सीधी सी बात है, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है और वो कॉमन आ रहा है 50, जैसे 50 कॉमन निकाला आपने तो यहां बचे रह जाएगा x, 50 से 100 कट हो जाएगा दो बार, y एज इट इज, और इक्वल में आपके पास 2000 आएगा। ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, तो आपके पास x प्लस 2y को छोड़ जाएगा यहां पर, और 2000 के नीचे कौन जाएगा, 50, 10 से 10 कट गया और 5 से 200 कटेगा आपके 40 टाइम, तो आपके पास क्या बचा, x प्लस 2y इक्वल में 40। ये आपके क्या चुकी है, दो इक्वेशन आ चुकी है। अब इनको आप सोल्व करोगे तो आपको x भी मिलेगा और
वाई भी मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि 50 रुपीज वाले कितने नोट थे और 100 रुपीज वाले कितने नोट थे। तो दोनों इक्वेशन को ऊपर लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखो पहली इक्वेशन तो आपको लिखी लिखाई है ही गई, दूसरी इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूं। तो ये है एक्स प्लस टू वाई इक्वल में 40 और ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। अब देखो सीधी सी बात है, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको क्योंकि एक्स के साथ यहां पर भी वन आ रहा है और यहां पर भी वन आ रहा है, जब सेम होते तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में से माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को। तो माइनस करते हैं, देखो यहां पर x एज इट इज, प्लस एज इट इज, 2y एज इट इज और 40 एज इट इज। माइनस कर रहे हैं x प्लस y और इक्वल में 25 को आप माइनस करने जा रहे हैं। तो साइन चेंज होते हैं माइनस में, आपको बताया था मैंने, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y जाएगा, तो ओनली y बचेगा। 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो आपको y मिल चुका है। बात करते हैं y की वैल्यू को कहां रखे, फर्स्ट में के सेकंड में, जो आपको सीधा लग रहा है वहां रखो। तो यहां रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिख देना यहां पर आप, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू रखते हैं, तो x एज इट इज प्लस एज इट इज। अब y आ चुका है तो y की जगह क्या रखेंगे, 15 और इक्वल में 25। अब देखो सीधी सी बात है, यहां से आप बात करें x को निकालने की, तो 25 के उधर 15 को ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 10। तो सीधी सी बात है, अब जो x और जो y मिला उसको आप यहां रख देना। जैसे यहां रखोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू कितनी मिली, 10, और y की वैल्यू क्या मिली आपको, 15। तो इससे क्या पता चला, 100 रुपीज वाले कितने नोट है, 15 नोट है, और इसके अलावा 50 रुपीज वाले कितने नोट है, तो वो 10 नोट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। चलो इसका एक और पार्ट लेते हैं, लास्ट पार्ट। हाँ तो बच्चों यहां पर आपको देखो लास्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, सेकंड का फिफ्थ पार्ट, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी पूरी फिनिश हो जाएगी और साथ में चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें करना क्या है। तो इसमें देखो एक शॉर्ट लैंग्वेज मैंने यहां लिखी हुई आपको समझाने के लिए। इस क्वेश्चन में कहा है एक लाइब्रेरी है, वो क्या करती है, चार्ज लेती है। कोई वहां से जब बुक लेगा तो चार्ज लेगी लाइब्रेरी, तो चार्ज उसने दो पार्ट में डिवाइड किया। क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड, और दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया, फर्स्ट 3 डे का चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज है, फिर उसके बाद जो 3 दिन के बाद जो चार्ज लगेगा, हर दिन का अलग अलग चार्ज लगेगा। तो मतलब पर डे आफ्टर 3 डेज, मतलब हर दिन का अलग चार्ज होगा 3 दिन के बाद। मतलब दो तरह के चार्ज है, 3 दिन का फिक्स है, फिर 3 दिन के बाद अलग अलग एक एक दिन का अलग चार्ज लगता जाएगा जितने दिन वो बुक रखेगा। अब क्या करते हैं, लाइब्रेरी में दो बच्चे जाते हैं, एक तो सरिता जाती है और एक सुजी जाती है। जो सरिता जाती है वो कितने डेज के लिए रखती है, 7 डेज के लिए रखती है, और कितने रुपए पे करती है, 27 रुपीज वहां पे करती है। फिर ऐसी सूजी गई, और सूजी कितने दिन के लिए बुक रखती है, 5 डेज के लिए रखती है, और कितने रुपए पे करती है, 5 डेज के लिए रखती है, और कितने रुपए पे करती है, 21 रुपीज वो क्या करती है, पे करती है। अब उसने कहा है कि आपको बताने के फिक्स जो चार्ज था 3 डे का वो कितना है, और पर डे का चार्ज कितना है वो आपको बताना है। तो दो तरह के चार्ज है यहाँ पर, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो फर्स्ट 3 डे का जो चार्ज है, फर्स्ट 3 डे का जो चार्ज है आपके पास, वो मान लेते हैं अपन कि वो है एक्स, और साथ में क्या लगा देंगे, रुपीस, और इसके अलावा जो पर डे का जो चार्ज है, इसके बाद जो डे लगेंगे 3 डे के बाद, जो पर डे का जो चार्ज है वो मान लेते हैं अपन, वो है आपके पास वाई रुपीज। ठीक है, अब सीधी सी बात है, बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब अपन बात करेंगे यहां पर, तो यहां पर देखो बात करते हैं सरिता की, किसकी बात करेंगे, सरिता की बात करेंगे। तो सरिता ने भाई कितने दिन के लिए बुक रखी थी, 7 डेज के लिए बुक रखी थी। तो अब देखो 7 डेज में अपन बात करते हैं, तो 3 डेज तो अलग निकाल लो, क्योंकि 3 डेज का क्या चार्ज है, फिक्स चार्ज है। अब 3 डेज यहाँ निकल चुके, तो 7 में से कितने डे बचे रह गए, 4 डे यहाँ बचे रह गए। अब देखो यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनाए, तो 3 डे का चार्ज कितना है, ₹1 है। ठीक है, बात करते हैं एक दिन का चार्ज, एक दिन का चार्ज वाई है, लेकिन मुझे 4 दिन का चार्ज चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 4 को इंटू कर देंगे तो 4y, और इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो आपको टोटल चार्ज पता चल जाएगा, और टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर, 27। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के x प्लस 4y जो है वो किसके इक्वल आएगा, 27 के इक्वल आएगा, और ये आपके पास क्या चुकी है, पहली इक्वेशन आ चुकी है। फिर बात करते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बात करते हैं किसकी, सूजी की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई अपन, सूजी की। अब सूजी ने कितने दिन बुक रखी है, 5 डेज के लिए बुक रखी है। अब 5 डेज में से 3 डेज अलग निकाल लो, क्योंकि 3 डेज का चार्ज फिक्स है। 3 डेज जब निकल गए तो कितने डेज बचे रह गए, 2 डेज बचे रह गए। अब आपको पता है कि 3 डेज का चार्ज क्या है, एक्स है, और एक दिन का चार्ज 3 दिन के जो बाद जो दिन आएंगे उसमें से एक दिन का चार्ज है वाई। अब यहाँ कितने दिन है, 2 दिन है, तो एक दिन का वाई है, तो 2 दिन का कितना होगा,
2y, और इनको जब प्लस करेंगे तो टोटल चार्ज पता चल जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर 21 रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ x प्लस 2y जो है वो किसके बराबर आएगा 21 के। और ये कौन सी इक्वेशन आ चुकी है आपके पास, सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना, और आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो सीधी सी बात है, इन दोनों को क्या कर देते हैं, डायरेक्ट अपन माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को मैं माइनस कर रहा हूं। तो यहां देखो x प्लस 4y इक्वल में 27 आएगा, और यहां आएगा x प्लस 2y इक्वल में 21। साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज होंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2y बचेगा, 27 में से 21 गया तो 6 बचेगा, और y की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 6/2। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा आपके पास, y की वैल्यू 3 मिलेगी। अब y आपको मिल चुका है, निकालना क्या है आपको, x निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशन है, किसी में भी y की वैल्यू रख दो, लेकिन रखो उसमें जिसमें नंबर छोटे आ रहे हैं, और नंबर छोटे आ रहे हैं सेकंड इक्वेशन में। तो यहां रख देना आप पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखेंगे तो x एज इट इज, 2b एज इट इज, लेकिन y की जगह क्या रखना है 3, ये लो 3 आ गया, और इक्वल में 21। तो x प्लस 6 इक्वल में 21, 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहां पर 15। अब ये जो y और x मिला उसको बस यहां लिख दो, तो x की जगह आप क्या रख दोगे यहां 15, और y की जगह क्या रख दोगे 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग के जो 3 दिन का चार्ज था वो कितना था, 15 रुपीस थे। फिर उसके बाद एक दिन एक्स्ट्रा रखेगी तो 3 रुपए उसके एक्स्ट्रा लग जाएंगे, अगर दो दिन रखेगी तो उसके 6 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो आपको पर डे का चार्ज 3 मिला है, और स्टार्टिंग के 3 डे का चार्ज आपको 15 मिला है। तो ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।